अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, सुकून से होंगे, मज़े में होंगे और ईद तो बहुत ही अच्छी मनाई होगी। और जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही अफेक्टिव है, बहुत ही ज़बरदस्त। इसको इस्तेमाल करने के बाद आप मुझे दुआएँ देंगे। ये वीडियो ख़ास तौर पर उन माओं के लिए है जो ये कहती हैं कि मुझे टाइम नहीं मिलता अपना ख्याल रखने का। तो आपको अब टाइम भी मिलेगा और टाइम भी कम लगेगा और अपना ख्याल भी रखेंगी। ये ऐसी प्रोडक्ट है जो मैंने खुद यूज़ भी की है और यूज़ करने के बाद मैं इसका रिव्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। लड़कियाँ जो हैं आजकल दानों से परेशान नहीं होती, दानों के बाद जो गड्ढे रह जाते हैं स्किन के अंदर, गड़े बन जाते हैं, दाग छोड़ जाते हैं, उनसे बहुत ही परेशान होती हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे दो बातें। सबसे पहली बात, जो इस चीज़ के लिए मैं आपका थैंक यू करना चाहती हूँ जो आपने मुझ पर ट्रस्ट किया। मेरी वीडियो को आप देखते हैं, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, तो इतने थोड़े अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह आपने मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। इसके लिए मैं बहुत ही आपकी थैंकफुल हूँ। और मेरी भी ये कोशिश है आपके साथ वो चीज़ें मैं शेयर करूं जो वाकई में ट्राइड और टेस्टेड हैं, जिसका कोई नुकसान नहीं है, आपको इससे फ़ायदा होगा। और दूसरी बात ये कि जिन्होंने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया, वो सिर्फ मेरी वीडियो देखते हैं, तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, बातें नहीं करते ज़्यादा। जो मैं फेशियल के लिए दो चीज़ें आपको बताऊंगी ये बहुत अच्छी हैं। अगर आपके पास ये चीज़ें होंगी, ख़ास तौर पर मदर्स के लिए जिनके पास टाइम नहीं होता, तो ये बहुत ही अफेक्टिव है, आप यूज़ कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो जो चीज़ आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ वो है सिंपल एक, ये देखें, वॉच स्क्रब मास्क 3-in-1 है। ये बॉडी शॉप का है, टी ट्री की रेंज में है ये। और यहाँ इनका जो दावा है वो कहते हैं कि ये सूटेबल फॉर ब्लेमिश्ड स्किन, यानी ये जिनकी स्किन के ऊपर दाग धब्बे हो जाते हैं ख़ास तौर पर एक्नी के बाद, ये उनके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है, आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और ये तकरीबन मुझे 11 यूरो की पड़ी थी, 11 यूरो की ये मुझे मिली थी। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो ये है, इसका जो है स्किन क्लियरिंग क्ले मास्क, तो विद प्योरीफाइंग टी ट्री ऑयल फ्रॉम द फुट हिल्स ऑफ माउंट कीनिया। तो ये बहुत ही अच्छा है, इसको लगाने के बाद बड़ा ठंडा ठंडा और अच्छा महसूस होता है। चलिए अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टी ट्री का वॉश स्क्रब और क्लिनजर है इसका, ये देखें। बिल्कुल इसमें थोड़े से पार्टिकल्स हैं। ये बहुत अच्छा स्क्रब करता है स्किन को, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसको लगाने के बाद स्किन को बहुत ठंडा ठंडा महसूस होता है और एक ही दफ़ा लगाने के बाद आपको इसका रिज़ल्ट महसूस होगा, स्किन एकदम से क्लियर हो जाती है। और दूसरा है जी इसका क्ले मास्क, तो ये भी ब्लेमिश स्किन के लिए, एक्नी स्किन के लिए, एक्नी प्रोन स्किन के लिए, जिनके पिगमेंटेशन हो जाती है उनके लिए ये बहुत अच्छा है। ये देखिए स्किन क्लियरिंग क्ले मास्क, ये देखिए सूटेबल फॉर ब्लेमिश्ड स्किन, बॉडी शॉप का है ये, बहुत अच्छा है इसका रिज़ल्ट है। अब इसको खोल के चेक करते हैं, ये देखें ये ग्रीन कलर का है, ये देखें इसको लगा के टेस्ट करते हैं इसका। इसको लगाने के बाद आपको बहुत ठंडा ठंडा फील होगा, ये दो चीज़ें ऑल इन वन है, काफ़ी हैं आपके लिए। ये देखें जी, अब ये सवाल उठता है कि हमने कब इस्तेमाल करना है और कितनी दफ़ा इस्तेमाल करना है। आपने इसको एक हफ्ते में एक दफ़ा इस्तेमाल करना है, पहले इसको यूज़ करना है आपने, उसके बाद फिर क्ले मास्क यूज़ करना है आपने, उसके बाद जो है
फिर कुछ भी नहीं लगाने की ज़रूरत, सिंपल एक मॉइस्चराइज़र लगाएं, आप इसका रिज़ल्ट ख़ुद देखेंगी, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। अब आ जाते हैं इनकी प्राइसेस की तरफ। ये जो है ये मुझे मिला था तकरीबन 11 यूरो का मुझे मिला था, और ये जो है ये मुझे मिला था 15 यूरो का मिला था ये मुझे क्ले मास्क, ये 11 यूरो का मिला था और ये मुझे 15 यूरो का मिला था। जो मैं अगली चीज़ आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो आपको दिखाने जा रही हूँ, वो है ये टी ट्री ऑयल। ये बहुत अच्छा है, ख़ास तौर पे जब आपको नए नए दाने बन रहे होते हैं, दाने निकल आते हैं, रेडनेस हो जाती है स्किन पे, दाने के आगे पीछे रेडनेस हो जाती है, स्किन स्वेल कर जाती है, दाना बैठ नहीं रहा होता, उसको हाथ मत लगाया करें, इससे निशान जो होते हैं वो पक्के हो जाते हैं, वो इतनी जल्दी जाते नहीं हैं, ढीठ हो जाते हैं वो। आपको जब भी दाने की प्रॉब्लम हो, कोई दाना आपका निकला है, तो आपने सबसे पहले जो ये टी ट्री ऑयल थोड़ा सा लेके, एक थोड़ा सा, एक कतरे से भी कम आपने उस दाने पे लगाना है। कोशिश कीजिएगा कि उसके आगे पीछे की स्किन के ऊपर आप वैसलीन लगा लें, उसके ऊपर आप ना लगाएं, क्योंकि इससे स्किन जो है फट जाती है। इससे आप देखिएगा, अगर आपने रात को, अगर आपको दाना निकला, आपने रात में ही इसको यूज़ किया है, तो सुबह आपका दाना बैठ जाएगा, आपको इचिंग भी नहीं होगी, कोई स्वेलिंग नहीं होगी। तो उसे इसके बाद सबसे बड़ा फ़ायदा जो है इसका, इसके लगाने के बाद जो दाग है वो नहीं बनते। तो याद रखिए, आपने स्किन को टच नहीं करना। ये कहना चाहूँगी, आप अपना ख्याल रखा करें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, और सबसे बढ़कर अपना रखें, क्योंकि आप ही मेन सेंटर हैं सबका, अपने घर का। तो ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें, और इन चीज़ों को ज़रूर यूज़ कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये चीज़ें कैसी लगी थी। तो इंशाल्लाह मैं आपके के लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँगी। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर देंगे, ताकि इससे किसी और का भी फ़ायदा हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।